उधर विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगी। इस बैठक में बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। लॉ एंड ऑर्डर, किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता और संविदा कर्मियों को स्थायी नहीं करने जैसे मुद्दों पर रणनीति तैयार करेगी बीजेपी। तो कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले रणनीति यहां पर विधायक दल की बैठक के साथ बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है। बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होगी जिसमें किस तरीके से बजट सत्र में सरकार को घेरा जाए, उन तमाम मसलों में क्या कुछ जो है रणनीति में शुमार किए जाए, ये मुख्य इस विधायक दल की बैठक में बीजेपी की ओर से रहने वाला है। दरअसल कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार अपना बजट जो है प्रदेश को लेकर वो रखेगी और क्या कुछ उसमें हो इसे लेकर एक तरफ रणनीति बनाई जा रही है। अलग अलग मसलों को लेकर मुख्यमंत्री जहां अलग अलग संगठनों से बातचीत कर रहे हैं, वहीं उससे पहले विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। विधायक दल की आज बैठक है बीजेपी की और जानकारी यह भी है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तो कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। हमारे साथ शशि जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। शशि, विधायक दल की बैठक को लेकर किस तरीके से रणनीति इस वक्त बीजेपी बनाएगी, क्या कुछ जो है प्राथमिकता में रहने वाला है? सुमित, बैठक शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, उपनेता भी आ गए हैं और जैसा हम दर्शकों को बता चुके थे कल ही कि वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, वो नहीं पहुंची हैं। तकरीबन 7 से 8 विधायक अभी भी इस बैठक में नहीं आए हैं और तकरीबन 10 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं, 10-12 विधायक जो थोड़ी देरी से पहुंचे हैं। ठीक 11 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी और अगर मुद्दों की बात करें तो सरकार और सत्ताधारी पार्टी को कैंप को घेरने के लिए इस बैठक में चर्चा हो रही है। जो मुद्दे पिछले दिनों आए लगातार बीजेपी उठाती रही, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, बेरोजगारों को भत्ता देने का जो वादा कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में किया था उसकी बात हो, और आप देखिए कि जो संविदा कर्मी हैं लंबे समय से यह मुद्दा है। हालांकि पिछली बीजेपी सरकार में भी इस पर बात हुई थी, कोशिश हुई थी, नेता प्रतिपक्ष खुद कई बार कह चुके हैं कि उनको भी इस बात की पीड़ा है कि वो इनके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मौजूदा सरकार भी कहती है संविदा कर्मियों को स्थायी करने की, नियमित करने की, उनके मानदेय बढ़ाने की, वो मुद्दा बीजेपी के पास में है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दे हैं। खास बात ये कि प्रश्न जो विधायकों की तरफ से लगाने हैं, एक विधायक 100 प्रश्न लगा सकता है बजट सत्र में, जिसमें से 40 तारांकित होते हैं और 60 अतारांकित होते हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके पास इतने सवाल नहीं है, ऐसे में सवाल भी साझा किए जाएंगे एक दूसरे, जिन विधायकों के सवालों की संख्या पूरी नहीं हो रही है वो विधायक दल की बैठक में कहेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर दूसरे विधायक उनको अपने क्षेत्र से जुड़े हुए और पूरे प्रदेश के व्यापक महत्व के सवाल भी देंगे। खास बात यह है कि कल राज्यपाल का अभिभाषण होना है सदन में। इस अभिभाषण में राज्यपाल के मुंह से किसानों के आंदोलन और उनके लिए जो पिछले दिनों बिल पारित किए गए थे विधानसभा में, जो अगस्त में सत्र हुआ था, उनको लेकर जो अध्यादेश लाए गए उनको लेकर के क्या कुछ कहलवाना चाहती है सरकार राज्यपाल के जरिए, बीजेपी इसको लेकर भी रणनीति तैयार करेगी। संभव है कि बीजेपी केंद्रीय कृषि कानूनों की काट को लेकर के अगर कोई बयान आता है तो उसका विरोध कर सकती है, और अगर उसका विरोध होता है तो क्या स्थिति होगी, क्या राज्यपाल कलराज मिश्र का भाषण पूरा होगा अभिभाषण, या उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। आप देखिए कि आने वाला जो एक सप्ताह होगा वो अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगी, उसमें वाद विवाद होगा, धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा सरकार की तरफ से और उसके ऊपर ही केंद्रित रहने वाला है। लेकिन पूरे सत्र में प्रश्नकाल खासा रोचक होगा जिसमें विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं और इसमें सरकार को, सरकार के मंत्री को मौके पर ही घेरने की कोशिश होती है। शशि, अपने पश्चिम बंगाल में देखा अभिभाषण के दौरान भी किस तरीके से स्थितियां बनती हुई नजर आई हैं सरकार और राज्यपाल के बीच में, ऐसी परिस्थिति फिलहाल राजस्थान में क्या नजर आती है? क्योंकि आपने किसान के मसले का जो है जिक्र कर दिया है, एक तरफ एक पक्ष जो है वो राजस्थान सरकार का है किसानों के मसले को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर,
क्या राज्यपाल की तरफ से कहा जाएगा, उसमें वही तमाम चीजें होंगी जो सरकार का मत है इस वक्त में, या कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद नजर आती है? देखिए, राज्यपाल की तरफ से जो कुछ कहा जाएगा वो सरकारी सोच के हिसाब से कहा जाएगा, क्योंकि सरकार के मंत्रियों की एक कमेटी बनती है और वो कमेटी राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करवाती है जी। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, तो कैबिनेट अभिभाषण जो तैयार किया गया है उसके ऊपर मोहर लगाएगी, अभिभाषण को मंजूरी देगी और वही अभिभाषण राज्यपाल की तरफ से पढ़ा जाएगा। राज्यपाल अपनी इच्छा से उसमें ना कुछ जोड़ सकते हैं ना हटा सकते हैं, यह एक परंपरा है और विधायी प्रक्रिया है जी। लिहाजा संभव है कि किसानों के बिलों को लेकर के इस अभिभाषण में जिक्र हो, लेकिन बीजेपी जो है आज विधायक दल की बैठक में इस बात पर भी चर्चा कर सकती है, रणनीति बना सकती है कि राहुल गांधी का दौरा 12 तारीख को 13 तारीख को होने वाला है राजस्थान में। ऐसी सूरत में 11 तारीख को यानी परसों जो बैठक होगी, देखिए कल की बैठक औपचारिक होगी, अभिभाषण के बाद में शोकाभिव्यक्ति होगी, कुछ अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी जाएंगी और बैठक स्थगित कर दी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन परसों का जो सत्र होगा, परसों की जो कार्रवाई होगी, उसमें बीजेपी इस मुद्दे को उठा सकती है कि राहुल गांधी जो आ रहे हैं उनसे इस बात के ऊपर प्रदेश सरकार कोई बात कहलवाए, जवाब दिलवाए कि किसानों की कर्ज माफी का वादा जो उन्होंने किया था उसका क्या हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से हमारी बात हुई, वो खुद भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना था कि 12 तारीख को शुक्रवार है, सदन चलना चाहिए, लेकिन अगर सरकार की मंशा कितनी है, सदन चलाने की कितनी नहीं है, यह सब कुछ बीएसी में तय होगा। बीएसी में सभी दलों के प्रतिनिधि बैठते हैं, उसमें कांग्रेस के भी बैठते हैं, बीजेपी के भी बैठते हैं, आरएलपी के भी लोग होंगे और निर्दलीय विधायक भी होंगे और साथ में जो बीटीपी है उसके लोग भी होंगे। बिल्कुल। और ये जो बैठक होगी इसमें स्पीकर, बिल्कुल, यानी बहुत कुछ तय होगा इस बैठक के साथ ही और आगे की रणनीति, जैसे शशि यहाँ पर जो है बता रहे हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं। शशि बहुत शुक्रिया आपका, बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसकी अपडेट भी हम आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।